हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी स्टार और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारे मिनी शॉर्ट सीरीज में वो है पॉलिटिकल पार्टीज ईजीएस्ट चैप्टर है ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है समझने का लेकिन जो भी है वो हमें फुल माइंड से समझना है बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सबसे पहले जाके ए टी पी स्टार के, के टेलीग्राम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिसकी वजह से और अदर नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क हर एक चीज़ आपको पूरे के पूरे पी डी एफ फॉर्म में प्लस दी लेक्चर सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी सो कमिंग बैक टू दी चैप्टर जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं ऐसी पार्टीज़ जो पॉलिटिकली पूरी कंट्री को गवन करती हैं रूल करती है बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती हैं फॉर सोसाइटी एंड ऑल्सो फॉर द कंट्री जिसकी वजह से कंट्री जो है चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो यहाँ पर वो ईज़ीली फंक्शन कर सकें एंड यूनाइटेड रहें ठीक है तो पहली चीज़ हम इसमें देखेंगे वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं तो ये ग्रुप ऑफ़ पीपल होता है ऐसा ग्रुप ऑफ़ पीपल जिसमें बहुत सारे लोग आगे आते हैं इकट्ठा होते हैं और फिर वो अपनी पार्टीज़ फॉर्म करते हैं और वो पार्टीज़ फॉर्म करने के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट रहे और वो अपने आप के लिए भी बेनिफिशियल रहे दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड ठीक है अ पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसी अब हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या रूल रहता है हर समय ये बताना कि जो वी आर वॉट पार्टीज वॉट एवर पॉलिसीज वी आर फ्रेमिंग ये किस तरीके से सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल है एंड बेनिफिशियल है ठीक है बेटर देन अदर पॉलिसीज और जो दूसरी पॉलिसीज जो अदर पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसा तो नहीं एक ही पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन दर्ल्ड तो हे एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर तो यहां पर हर कोई पार्टी अपने अपने पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स के थ्रू काम करती है और हमेशा ये बताने की कोशिश करती रहती है दैट उनकी जो पार्टी के थ्रू जो पॉलिसीज़ फ्रेम हुई हैं वो दूसरी पार्टी से अलग और अच्छी कैसी हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों होती है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम सिर्फ ये अगर सेशन भी सुन लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे वाई डू वी नीड पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें इन अ कंट्री लाइक इंडिया क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यों इतनी जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे ये एक बॉडी वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही फॉर्म हो सकती है प्लस यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टीज इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी जब इलेक्शंस के थ्रू विन करके आगे आई थी तो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ द पीपल एंड आल्सो फॉर द कंट्री व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स दे हैव मेड या उन्होंने कोई एफर्ट्स दिए भी कि नहीं दिए तो बिकेम इट हैज़ बिकेम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पोलिटिकल डिविजन्स हंड्रेड ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ही कंट्री रहती थी जहां पर इलेक्शंस के थ्रू या पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रेम होती थी लेकिन आज आफ्टर हंड्रेड इयर्स हम ये इजीली कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आज की डेट में कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ होंगी जो छूटी होंगी ठीक है तो इसकी वजह से हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ट आर दॉलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टीज के कॉम्पोन क्या क्या होते हैं तो देर आर थ्री मेन लीडर पहला कौन होता है जो लीड करता है फॉर एग्जाम्पल अब हमारे क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लो तो यहाँ पर एक क्लास मॉनिटर होता है टीचर इज एबसेंट ऑन पर्टिकुलर टाइम तो एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर पर्सन दीडर क्लास मॉनिटर ऑफ द होल uh, क्लास वो क्या करेगा पूरी की पूरी क्लास को इजीली देखेगा तो एट दैट टाइम आफ्टर टीचर हु इज द पर्सन हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो वो होगा लीडर सेकेंड होता है द एक्टिव मेंबर्स अब उस लीडर वो लीडर है तो लीडर के साथ मेंबर्स भी होंगे वो मेंबर्स एक्टिव होते हैं वॉट एवर लीडर इज दे आर दन हु आर डूइंग दर्क अकॉर्डिंगली ठीक है फिर होते हैं फॉलोअर्स अब ये फॉलोअर्स की कैटेगरी में कौन आते हैं हम जैसे लोग आते हैं कि जो भी हमारा लीडर करेगा फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी तो यहाँ पर वी विल बी दर्सन आर गोइंग टू फॉलो इट तो देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टी यहाँ पर लीडर होता है एक्टिव मेंबर होता है और तीसरा कौन होता है फॉलोअर ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर फंक्शंस ऑफ़ पॉलिटिकल पार्टीज मेनली हम यहां पर फंक्शंस की बात करेंगे अगर क्वेश्चन आता है टू मार्क्स का, या का क्या -क्या होते हैं? तो यहां पर इसी तरीके से अगर बनाकर भी लिख दोगे तो फुल मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट तो पहली चीज पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इलेक्शन कंटेस्ट कराता है सेकेंड इट है इट गिवस दब्लिक ओपिनियन या ऑफ द पब्लिक ओपिनियन हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट को हेल्प करता है मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हो सकती है पॉसिबली वो क्या करे बना के रखें पार्टीज विच लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन अब भाई यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तो पार्टीज भी होंगी वराइटी ऑफ पार्टीज जब पार्टीज हो रही हैं तो यहाँ पर एक पार्टी जो जीत रही है तो दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को अपोज ही करेंगी क्योंकि अब वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं अपोजिशन का फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स अब यहाँ पर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये हमें पता है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर कंट्री के कुछ वर्टिकल डिविजन्स हैं लाइक ऑन सेंट्रल पार्ट स्टेट पार्ट और थर्ड जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पीपल होता है या म्यूनिसपालीज हम अर्बन पीपल के अर्बन टाउन्स या इसमें हम बोल सकते हैं नेक्स्ट आता है प्लेज अ डिससिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री ठीक है और लास्ट आता है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम तो यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी होता है पॉलिसीज भी होती है और वो हमेशा अपने आप को दूसरे से क्या बनाती है अलग बनाती है तब जाके ही हमारा वो वोट गेन कर पाते हैं कि ये पार्टी आएगी तो ये ये स्कीम्स लेकर आएगी इस तरीके से वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आएगी वो पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स वट एवर दे आर गोइंग टू फॉलो तो यहाँ पर अपने अपने इनके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं पॉलिसीज भी होते हैं और प्रोग्राम्स भी होते हैं ठीक है तो दीज आर सम ऑफ़ दी फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी व्हाट वी हैव डिस्कस नेक्स्ट कम्स नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री अब नेसेसिटी क्यों होती है भाई क्योंकि इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री अगेन आई विल से लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड तो तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री एक पूरे कंट्री का एक पूरा अकेला लीडर तो हो नहीं सकता तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है डिवीजन किया हुआ है जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे वेन द डिवीजन इज देयर तो सेंट्रल पार्ट में वो अलग लेवल पे पार्ट काम करते हैं स्टेट State, हर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स अकॉर्डिंगली अपने काम करते हैं और जो थर्ड लेवल है हमारा वो क्या है पंचायती राज तो यहाँ पर क्योंकि एक सोसाइटी को जरूरत होती है हर चीज की लेवल वाइज तो इसलिए लेवल्स ऑफ़ गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन डिवाइडेड तो यहाँ पर टुगेदर डिफरेंट ओपिनियन एंड डिफरेंट इश्यूज डिफरेंट ओपिनियंस भी हैं और डिफरेंट इश्यूज भी हैं इसकी वजह से क्या होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्किंग भी है सपोर्ट और रिस्ट्रेंट द गवर्नमेंट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हर वो चीज जो एक सोसाइटी को चाहिए एक पीपल को चाहिए ऑफ द कंट्री का तो कौन होता है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन द गवर्नमेंट ओनली बिकॉज एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है क्योंकि उसको इलेक्ट भी किसने किया है उसको इलेक्ट भी हमने ही किया है सो दिस इज दिटी इन पोलिटिकल पार्टीज टाइप ऑफ पोलिटिकल पार्टी कौन कौन सी होती है पोलिटिकल पार्टी देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वन पार्टी सिस्टम जिसे बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम दूसरे को एंड थर्ड पार्टी और मल्टीलिटरल पार्टी जो थर्ड को हम बोलते हैं। तो पहला आता है हमारा वन पार्टी सिस्टम डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है या उसके वर्ड से ही हम पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे वन पार्टी की बात हो रही है दैट मीन्स ओनली एंड ओनली सिंगल पार्टी इज पार्टी विच इज रूलिंग एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज जो हमें तुरंत पता हो जाना चाहिए इज द चाइना जहाँ पर only one party is allowed to govern the whole country and that country is known to be as the china jo aaj ki date mein bhi china jo aisi country hai jo one party system ke sath kaam kar rahi hai second आता है two party system two मतलब दो parties रहेंगी एक जो जीतेगी एक जो हारेगी again vice versa situation हो जाएगा and what are the examples the usa and the uk पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेजर एक पार्टी जीतेगी एक हारेगी ही बातें हो सकता है दो बार जीत जाए एक बार हार जाए तो वैसा वर्सा सिचुएशन दोनों के साथ होती है बिकॉज ओनली टू पार्टी सिस्टम आर देयर थर्ड जो आता है वो आता है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव इन दिस पार्ट ऑफ सिस्टम सेवरल पार्टीज एक साथ आती हैं अपने अपने पावर्स के थ्रू उनको जज किया जाता है पॉलिसीज प्रोग्राम्स वो क्या मैनिफेस्टो लेकर आएंगे उसके थ्रू उनको जज किया जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर वो इलेक्शन के बाद जीत के सामने आते हैं आर लीडर तो यहां पर इंडिया क्वेश्चन अगर आ रहा है ऐसा कि पार्टीज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताओ तो इस तरीके से टेबल बना के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फुल मार्क्स अगर चाहिए तो ठीक है दिस इज बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी बातें कर ली कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है क्यों होती है किस लिए होती हैं कौन कौन रहता है अब मेन चीज बात आती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक्चुअली में किस तरीके की होती हैं तो इट इज मोस्टली डिवाइडेड इन टू टू इज एट नेशनल लेवल एंड अदर इज एट स्टेट लेवल अगेन नेशनल लेवल पे एक रूलिंग रहेगा और एक अपोजिशन रहेगा जरूरी नहीं है एक ही रूलिंग एक ही अपोजिशन हो यहाँ पे एन नंबर रूलिंग तो एक ही रहेगा लेकिन अपोजिशन बहुत सारे रहेंगे वही ऑन दी स्टेट में भी यही सेम सिनेरियो है रूलिंग एंड अपोजिशन इज दी सेम क्राइटेरिया टू बी फॉलोड इन दी स्टेट गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया वेरी वेल नोन है हमें इजीली हम लिख सकते हैं लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट के उसमें चलती है फॉलोइंग में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस आर सम ऑफ दी ने पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया ठीक है अब डिफरेंसिएशन गया अगर क्वेश्चन पांच मार्क का अगर आ रहा है तो दीज फाइव पॉइंट आर वेरी मच ईजी टू राइट ऑल्सो एंड टू लर्न ऑल्सो तो नेशनल और, तो 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 और स्टेट पार्टी के बीच में पहले ही माइंड मेकअप कर लो ने मतलब हम पूरी कंट्री की पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट मतलब पर्टिकुलरली स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी नेशनल पार्टी की तरफ देखें These parties have influences all over the country or in several states. These parties, second point, hai maara, these parties take interest in national as well as as international issues. A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in four states and win at least फोर सीट्स इन लोकसभा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर पहली चीज क्या है सिक्स परसेंट ऑफ वोट होना चाहिए इन लोकसभा इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या तो पूरे के पूरे चार स्टेट में एटलीस्ट फोर सीट्स चार स्टेट है मतलब चार सीट है ऑब्वियसली लोकसभा इलेक्शन में इनको जीतनी है दीज पार्टीज है सिंबल बाय द इलेक्शन कमीशन फिफ्थ एग्जाम्पल इज योर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो वेल नोन पार्टीज हैं जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं कमिंग बैक टू दार्टी यहां पर हमारा क्या है द इंफ्लुस लिमिटेड टू अ स्टेट और अ रीजन स्टेट पार्टीज आर इंटरेस्टेड ऑन प्रमोटिंग रिलीजनल रीजनल एंड स्टेट इंटरेस्ट अ पार्टी अब यहां पर इसका मेन चीज क्या है किस तरीके से क्राइटेरिया को डिस्क्राइब करते हैं स्टेट पार्टी वाले

ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड कर सके कि जो शिवसेना है बहुत पार्टी पार्टी है state party है स्टेट लेकिन वो महाराष्ट्र की ठीक है दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन बिटवीन द नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी अब चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसमें चैलेंजेस भी होंगे तो किस किस तरीके के चैलेंजेस हैं पहली लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कोई भी लीडर हो जो शुरू से ही लीडर रहा है प्लस जो आज बना है ताजा ताजा लीडर बना है उनके बीच में इंफॉर्मेशन गैप इसको बोला जाता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन हाँ भाई यहाँ पे भी डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है जैसे मोनारकी में चलता था कि राजा का बेटा राजा उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा तो यहाँ पे भी इन लोगों ने कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो डायनेस्टिक सक्सेशन के थ्रू ही चल रही हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी के टाइम पे हम कांग्रेस बोल सकते हैं शुरू से ही इन्हीं के जो रहे हैं फैमिली मेंबर्स दे आर ओनली द पार्ट ऑफ दिस वेस्ट सुटेड एग्जाम्पल यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर कुछ लोग वोट हासिल करने के लिए पैसे का और मसल पावर का दोनों का यूसेज करते हैं विच इज वेरी मच रॉन्ग लास्ट वन इज नो मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स क्योंकि यहां पे पैसों से वो कर लिया मसल पावर का यूज कर लिया वोट्स खरीदे जाते हैं पहले बहुत होता था आज की डेट में भी होता है ऐसी बात नहीं है लेकिन जो एक्सटेंट है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो यहां पर लास्ट वन इज योर नो मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर दैट मींस कि यहां पर वोटर्स के पास जब उनको इस तरीके का पावर दिया जाएगा तो उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होते क्योंकि उनको वोट से फिर कुछ लेना देना नहीं होता उनके पास जो चीजें उनको चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी उनके पास आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मेनी अदर थिंग सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल पार्टीज अब यहाँ पर पार्टीज जो हैं वो किस तरीके से रिफॉर्म्ड हो सकती हैं फर्स्ट है हमारा एंटी डिफ्लेमेशन लॉ क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है जो भी एम और एम होते हैं वो अपनी पार्टीज को चेंज नहीं कर सकते आफ्टर द कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन ठीक है सो यहाँ पर ये ऑर्डर बहुत ज्यादा है इसके लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते नेक्स्ट एक एफिडेविट देनी होती है वेन दे आर कम वेन दे आर कमिंग टूगेदर जब यहाँ पे एक पॉलिटिकल इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है

फिर उनकी प्रॉपर्टी कितनी है कि कहाँ पर है किस तरीके का वो टैक्स भरते हैं ये सारी चीजें दीज आर सम ऑफ कॉमन पॉइंट लास्ट आता है इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है स्टेप्स टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन पास ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स उनका मेन मोटिव है कि भाई अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और जो भी खर्चा तुम करोगे अपने इलेक्शंस में अपनी चीजों को अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को मिलाने के लिए तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पैसे से कोई काम नहीं किया जाएगा सो इन दिस वे दीस पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड सो हेयर दिस कम्प्लीट्स आर सेशन यहाँ पर और सेशन को देखने के लिए ए टी पी स्टार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड गेट दी बेनिफिट्स थैंक यू सो मच